बच्चों इस बार कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम वाटर ऊपर रख दे देना, क्योंकि उसको लिखना पढ़ना ही नहीं है तो काहे तुमको कन्फ्यूज करे। तो वाटर क्या देगा, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, लेकिन हम नीचे भी सकते थे लेकिन तुम लोग कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए। तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एन एच फोर ओ एच बन जाएगा। ठीक है चलो, अब दोनों ठीक है, दोनों कितने हैं सी, तो ये सी और ये सी, अब अवॉइड नहीं करना पड़ेगा कौन क्वार्टर तो लिखना पड़ेगा सी। सी में से सी अल्फा जा रहा है, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है तो अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सी में से जाएगा सी अल्फा सी एच, सी में से सी अल्फा सी एच, तो बनेगा क्या सी एच सी एच, दोनों बनेगा। चलो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखें, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस बार डायरेक्ट ना करके थोड़ा ये भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ समझानी है हमें, तो फिर शायद वो समझ में नहीं है, तो पहले हम वैल्यू ना रख के पहले बड़ा बड़ा भी लिख देते हैं। तो उस साइड से क्या आएगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन एक छोटी सी चीज़ समझानी है, और क्या आएगा एन एच फोर ओ एच आएगा। अब तो इनको थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं, तो इनको तो लिखना ही पड़ेगा ना। यहाँ से क्या आएगा सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, और यहाँ से फोर पॉजिटिव, इतना नोट करूँ। क्या है इस यहाँ का के एच आपको बताना है हमें, यहाँ का के एच क्या होता है, बस अभी कराए दे रहे आज चाहे 10 बजे चैप्टर एंड हो के गए है, ज़्यादा पर नहीं करवे तो हो जाए, हम घर छोड़वे चल भी सबको परेशान नहीं हो मोटरसाइकिल से हैं, कहा एक आज छूट जाए तो कछु नहीं हो, इतना तो पढ़ लो, वैसे ही अपन ने इतना पढ़ो याद तो कछु करो ही नहीं। अगर हम पेज के नंबर पे चले जाएँ तो अगर 500 पेज हुई है तो तुम्हें 50 पेज पूरे पूरे याद ना होंगे, सुन लें थ्योरी सही में सर में याद है, थ्योरी सही में सुन भी सुन ले थ्योरी सही में अभी इसके बाद, ये क्या तुम गए चली गई हो, फिर कल सुन भी तो कल भी इसके बाद, फिर परसों सुन भी, पूरा साल कैसे निकाला जाता है तो आप लोगों से सीखें। अब देखो बच्चे एक नल एंड अवॉइड वाली कोशिश आती है, या नील एंड अवॉइड बोलते हैं हम, तो मतलब नील एंड अवॉइड वाली कंडीशन क्या होती है, जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो अगर हम दोनों तरफ टू लिख दें मतलब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो दोनों तरफ बराबर लिखा है ना, तो एक चीज़ समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ समझाने के लिए आप इसको सिर्फ समझने के लिए कंसिडर कर लो कि हम ऊपर भी एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव लिख रहे हैं और नीचे भी क्या लिख रहे हैं, तो एक ही बात हुई ना, कट जाएंगे ये तो ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला बनाना है उसके लिए देखो, लेकिन यहाँ H और OH साथ में लिख रहे हैं और यहाँ जो H OH है इसके बीच में एक कॉमा लगा दिया हमने, क्यों नॉलेज इतना करो, यहाँ से हमें एक वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी वैल्यू निकालनी है हम बता रहे हैं आपको ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, K इंटू के बी इक्वल क्या कर रहे थे के डब्लू, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा था तो इसको के एच मान ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा था तो इसको के एच मान रहे थे, लेकिन अब तो सॉल्ट आ गया अब कैसे माने, अब ये दिक्कत है। तो अब यहाँ से कौन सा के, तो इसके लिए एक चीज़ हमें यहाँ से के एच का छोटा सा फॉर्मूला निकालना है, वो क्या साइड में निकाल दे रहे हैं हम, यहीं से ट्रिक से निकाल रहे हैं ठीक है। तो देखो ये ट्रिक कैसे आई जी, प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या कहलाता है, के डब्ल्यू कहलाता है कि नहीं, एच पॉजिटिव मतलब एसिड के लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं के है ना, और ये ओ एच नेगेटिव बेस के लिए तो इसे क्या लिख सकते हैं के बी, तो ये होती है इसकी के एच की वैल्यू, सिर्फ इसको बताने के लिए हमने ये किया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है।
तो इसके लिए के एच की वैल्यू ये रहेगी, नोट कर लीजिए। समझ में आया क्या किया? नहीं आया, टेस्ला को तो नहीं आया। दोनों तब एच ओ एच लिख दी ऊपर भी नीचे भी, एक से ट्रिक का पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है, इसको हटा देंगे हम अभी। ना हटाओ, लिखा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? के डब्ल्यू। एसिड के लिए के निकालते हैं, बेस के लिए के वी, तो ये के लिख दिया, के वी लिख दिया, यही इसका क्या होता है, के एच ओ होता है, ठीक है। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ इनसे काम चलेगा, वो सब लिखे हैं, चलो। के एच सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव की वैल्यू क्या है? सी अल्फा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू भी क्या है? देखते चलो क्वेश्चन में, सी अल्फा है। और सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव की क्या है? सी अल्फा नहीं, सी एच। सी एच है ना, अल्फा की जगह सी एच। इसकी क्या है? सी माइनस सी एच। इसकी भी क्या है? सी माइनस सी एच। करो इतना नोट, बाकी उनको कुछ मतलब नहीं है। सी एस सी एच, सी माइनस सी एच, सी माइनस सी एच। फर्दर सॉल्व कर दे तो ऊपर का क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर और एच स्क्वायर। इससे सी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा वन माइनस एच, यहाँ से वन बचा, यहाँ से एच। और इससे भी सी कॉमन ले ले तो ये भी क्या बचेगा? वन माइनस, है ना, दोनों सी कैंसिल हो जाएगी। तो फर्दर अगर हम सॉल्व कर दें तो ऊपर से क्या बचा? एच स्क्वायर, और यहाँ से बचा वन माइनस एच का स्क्वायर, यही बचा। सी सी कैंसिल हो जाएगी, सी सी सी। अब अगर h लेस 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 वन है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? निगलेक्ट, है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी? के एच इक्वल एच स्क्वायर। फर्दर अगर देखें तो एच इक्वल क्या हो जाएगा? रूट ऑफ के एच, यही हो जाएगा। और अगर और फर्दर देखना चाहते हो तो एच इक्वल रूट के एच की वैल्यू अभी निकाली है, वो लिखी है आपके सामने, के डब्ल्यू के इंटू के। हालांकि जे वाली सबसे फेमस वैल्यू है इसकी, जो ये पूछी जाती है आपकी, जे वाली। चलो इसका पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखो। पीएच कैलकुलेशन फॉर salt of weak acid and weak base, pH calculation for salt of weak base। तो इसका pH होता है, pH equal 7 plus 1 by 2 pKa minus pKb। इसमें concentration नहीं दिया रहेगा, नोट कर लीजिए। चलो करो क्वेश्चन।
पीएच निकालना है अमोनियम एसीटेट का, जानते हो अमोनियम एसीटेट, जानते हो? बताओ तन्वी अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला स्पीड से। अमोनियम आयन लिखो जल्दी से, NH4 पॉजिटिव और एसीटेट आयन CH3C डबल, तो क्या हो जाएगा CH3C डबल NH4। अभी भी फॉर्मूले में कमांड नहीं आई है। pH कैलकुलेट करना है और इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है अमोनियम एसीटेट का वो दिया गया है 0.01 मोलर। pKa आपका जो दिया गया है आपका वो दिया गया है आपका 4.74। pKa भी दिया गया है 4.75। चलो करके सॉल्व बताओ। कंसंट्रेशन दी नहीं गई है तो वो कंसंट्रेशन कहीं उस फॉर्मूले में है नहीं, नहीं रखनी है, जैसे बताया है हमने।
तो फोर चलो बिना देखे कंसंट्रेशन रख दी नहीं कंसंट्रेशन तो नहीं रही तो चलो तो सॉल्व कर लेते हैं pH इक्वल 7 प्लस 1 बाई 2 और आपका p की एक वैल्यू कितनी दी गई है 4.74 4.74 माइनस 4.75 7 प्लस 1 बाई 2 कर दो 0.01 बना रहा क्या चेक कर लो 0.01 और ये माइनस का आएगा ठीक सी ठीक है 4.75 4.74 1 0 0 बड़ा चिन्ह माइनस और सॉरी बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा ठीक है तो 7 प्लस 0.01 को तो 0.005 आएगा ना तो ये आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा आपका माइनस का 0.005 आ जाएगा लेट्स सी कैसे आया तो देखिए 0.0001 डिवाइडेड बाय 2 तो कर लो भैया इसको सॉल्व तो ऐसे कर लो लो 1/2 और नीचे कितना आ गया 100 1/2 को सॉल्व कर दोगे तो कितना जाएगा 0.5 आ जाएगा तो कितना डिसिमल खिसक जाएगा 2 और खिसक जाएगा तो 0.005 अब कर दो 7 से माइनस 0.005 तो आंसर आ गया तो मैथ में गड़बड़ी कर दी आप लोगों ने 6.0.05 3 डिसिमल 995 जे आ गया इसका pH मन गया सबसेट करते 7 कितने डेसिमल है 3 1 2 3 सबको पता होगा डेसिमल से डेसिमल प्लेस करना डिजिट प्लेस करते तो बनती है अगर डिजिट प्लेस करते हैं यूनिट प्लेस पे यूनिट रखनी पड़ती है डेसिमल पे डेसिमल फर्स्ट सेकंड तो वो गड़बड़ी की होगी आप लोगों ने 0.05 कर दो सबसेट हो गया सबका बन जाएगा चलो तो ये ख़त्म होता है नेक्स्ट टॉपिक डालिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सरल है बन जाएगा बड़े आराम से 10-15 मिनट में हो जाएगा तो लोग कोशिश करो कि 10-15 मिनट में ना हो पाए आध घंटा में हो प्रोडक्ट क्योंकि हम छोड़ भी तो 9:20 तक तुम तो ले हो ना अब हम तुम लोग तो वो क्या है छोड़ ही दो हमने 8 बजे चले जाओ जाओ चले जाओ हमने छोड़ दो ईमानदारी से हमारी तरफ से कुछ ना कही हो हाँ आ जाइयो निकल दिया निकल दिया हमने आते ही कह दी थी कि जिसको जाना है जा सकता है पेपर के समय पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका साइन है KSP नोट करिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कन्या शिक्षा परिषद नहीं एक KSP है के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस मतलब सॉल्युबिलिटी और पी मतलब प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो बायो तो बनती होगी पूरी तनवी कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ लें क्या हाँ तो कल तो हम पेपर देने जा रहे हैं हाँ चलो एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं पता एडमिशन ना मिले अगले साल 100% बिल्कुल साल पूछ भी ऐसा इस साल क्वेश्चन दुनिया में आता जन्म ना भाग जाए पूछ ले जल्दी बोलो तुम खुद के वहाँ साल क्वेश्चन है जल्दी बोलो हम वो क्वेश्चन पूछ भी जी को आंसर सबको पता होना चाहिए तुम हमें सिर्फ बायो के सभी चैप्टर्स के नाम बता दो स
सभी चैप्टर्स के। सर कितने सारे हैं? कितने चैप्टर्स? 5 यूनिट है, तो सब उसके नाम बताए पहली यूनिट में सबसे पहले द लिविंग ऑर्गेन्स, दूसरे वो सब काटे हैं। हाँ ठीक है। और लेकिन उनके जब आने तो उनके बता दें वो आने किंगडम प्लांट थी और हमें अभी यूनिट 5 बताए थे, 5 यूनिट के नाम बताओ। 5 यूनिट कट गई क्या? यूनिट के अंदर चैप्टर्स कटे होंगे ना, तो हमें से 5 यूनिट के नाम बताओ। क्लास 11 यूनिट 5 यूनिट के नाम तो लोग पढ़ो बेटा। तो अंकित कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे ने? हमने तो कुछ पहले तुम बताओ हमें, तुम कल पेपर देने जाए ना, तो 5 यूनिट्स के नाम नहीं बताओ। कैमरा पे तनवी नाम आ रहा हो सीधे सीधे, या वीडियो आज ही डल गया तो उसके चैप्टर बता ना अंदर। हां हां चल चैप्टर बता दो। नहीं पता ना, तो तन्वी को यूनिट के नाम नहीं पता, चैप्टर के नाम नहीं पता। तो हमने एक चैप्टर एक बोलो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही से क्वेश्चन पूछ ले रहे। उसे तो आए नहीं आने किने कही जा बात चैप्टर कटा वो कह रहे थे। तो तुमने हमें जो एक यूनिट को नाम बताओ वो भी तुमने वो बताओ जो कटो है जो था। तुम्हों की किताबें तो आप छपी है कि नहीं? अच्छा चलो और सिंपल तुम हमें कैसे आते थे रे? जैसे तुम अधिकारी हो हम तुम्हारे कर्मचारी। नहीं हमें बुरा लगो है सॉरी का नहीं, तो हमें तो लगो है बुरा, हमें लगो है बुरा आपको खिलाने हम क्या करें। तो यस तुमसे पूछ लें कुछ तो लोग कल बायो का पेपर देने जा रहे हैं, तो उन लोग की तैयारी चल रही। ऐसे बच्चों को ना पढ़ा, मेहनत बिल्कुल ना पढ़ा भी जो इस प्रकार से करते हैं। चलिए देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एक ही लड़की वैसे जो तो बायो थोड़ी बहुत पढ़ रही होगी वैसे भी, बाकी ये तो कौनों नहीं है जो बायो पढ़ रही है। कहो तो पूछ ले, पहला चैप्टर पहला पेज पूछेंगे। रेडी हो? कटा है तो जो जिस पेज पे तुम हाथ रख दोगे वो पूछेंगे। देख रहे हो कैसे पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हो? अपने मन से अंदर थोड़ी सी गिल्टी फील होनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं। और बताओ हंसी मजाक तो सब अपनी जगह है, ये तो मैं ऐसे घड़वा जैसे हो गई। देखो आप लीजिए अच्छा भाषा कहाँ से सीखी? भाई मम्मी कहती थी हमें जैसे हम नहीं पढ़ते थे ना, ऐसे हम कोई काम नहीं करते थे, आए तो हम भी बंदरी की प्रजाति से थे, तो हम जब कोई काम नहीं करते थे हमें गड़बा भड़ो जैसे होगा कुछ काम नहीं करते। बेटा तुमने समझो कि अब तो देश विकसित का ही नहीं हो रहा, समझ रहे? तो चंद गिने चुने लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो अपने देश को अस्तित्व है कम से कम, और वो भी ऐसे हो जाए तो फिर छोटे थोड़ी हो कि बिल्कुल ही चैप्टर ही के नाम नहीं पता, एक ही क्वेश्चन ही याद नहीं है, कॉन्फिडेंस इतनों भी कॉन्फिडेंस नहीं कि हम सर से कह सकेंगे सर आप हमसे 100 क्वेश्चन पूछ लो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखिए, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन किसके लिए किया जाता है ना? कच्चू अंदर से लग रही नहीं है सर। इट इज हमें नहीं पढ़ाने ऐसे बच्चन को, ना हमें ऐसे बच्चन की फीस चाहिए, अपने घर में रहो ऐसे बच्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं जो अपने अपने पेरेंट्स के पैसे भरवाने और पढ़ने हैं तो 1 लाख रुपए फीस है, पढ़ो बिल्कुल गारंटी है अगर पढ़ने हो तो 1 लाख रुपए फीस है, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जाओ पढ़ो अपने संगी साथी टीचर को ढूंढो जो तो तुम्हारे अनुसार काम करे। इट इज डिफाइन ओनली एक एक क्वेश्चन भी याद करो हो तो ना, तो हम जुलाई से भी अगर मान लें तो जुलाई अगर आपका 7वां महीना होता है आपका, तो 6 जनवरी 7
और आठ में जो आठ, अगर हमें 30 भी लेके चलते हैं, आठ 24, 240 एक, तो कम से कम 240 क्वेश्चन तो याद होते, और दुनिया को अच्छे से अच्छे आलसी इंसान भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन रोज याद कर लेते। एक क्वेश्चन भी याद किया होता तो कम से कम दो, अरे चैप्टर के नाम नहीं पता, कटो है, कटो पहले याद करो। अभी हम पूछ लें ना कितने चैप्टर कटे हैं, सब बता दें, जो तो पहले दिन याद करो, ये कह कितनों कट गए दूर दूर की, आलस की रिकॉर्ड तोड़ रखे हो। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्पेरिंगली, स्पेरिंगली समझते हो, स्पेरिंगली ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम घुलते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर बहुत कम डिजॉल्व हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली, है ना। तो सॉल्ट जो चीज़ पूरी घुल गई उसकी सॉल्युबिलिटी क्यों चेक करेंगे हम, जो चीज़ नहीं घुल रही उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है ना। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये लगभग ना के बराबर घुलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब सॉल्युबिलिटी होती क्या भी बताते हैं, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। विजेता तो मैथ ली, विजेता से पूरी मैथ बनत हुई है, पूछ लेगा विजेता एक आदमी मैथ क्वेश्चन। चलो तो शिक्षा एक, अरे तुम्हें डर गए, तुम्हें पता एक भरोसा तो। चलो एक क्वेश्चन दो मैथ को जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट सबसे जो आई जाने, ट्रिग्नोमेट्री का दे। हाँ ट्रिग्नोमेट्री दो, तुम हमें दो ना, हम उतर दे अभी, डायरेक्ट बात नहीं करने क्लास में, कोई बात डायरेक्ट नहीं होगी, मतलब जो तुम्हें याद हुई दो जिन्हें तुम चेक कर सको। हाँ। और कौन है मैथ विजेता है, तुम बच गए, खुश हो। और कौन है मैथ, बस जैसे विजेता ही बस मैथ है, काजल बेटा पीएचडी करेगा, मैं काजल से बात नहीं किया करो, बोलो जो ये बात करने हमसे पहले बोलो, दूसरे चैप्टर का है सर, बीटा लिखो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा का कंजुगेट, अल्फा कंजुगेट ऐसे नहीं, ऐसे सर ऐसे ऐसा वाला बार गए बार, ऐसे हां और बीटा इधर लिख दे बगल में, हां और इसमें काजल से बन जाए पर जो तुम्हें नहीं है विश्वास, काजल कर दो बेटा, तो मैथ की कोचिंग जाती होगी, जे भी मैथ की जात जे भी जात, तुमसे बन दो लेकिन इनसे नहीं बन दो। विजेता की मम्मी बहुत खुश है कि विजेता पढ़ने लगी, सच्चाई क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत तुम घर में पढ़ा दिक्कत हो ना, वो भी इतने की चिल्ला एक गर्दन को है पूरा काम, एक कंठ की दमा लगी होते थायराइड ग्लैंड जो ने मजबूत बनाई आयोडीन खा खा के ना, कौन सी ग्लैंड पाए जाते थे, कौन सी थायराइड ग्लैंड, कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, थायरोक्सिन, ग्वाइटर रॉन्ग रोग जो होता है डिसीज, इसी जब एक ग्लैंड बड़ी हो जाती है तो उसी बोलते हैं ग्वाइटर रोग। बोलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं, उसका मैं पूरा पूरा याद नहीं, मतलब तुम भी नहीं पढ़ रहे कुल मिला के, देख हम तो सब देख ले भी याद है ऐसे इजी इजी कौन और बेट, हाँ इजी दे दो तो आंसर तो है। हाँ चल ई को हम पढ़ाते फिर कर रहे, तुमको कल पेपर है ना, तो आज बायो और मैथ की पढ़ाई हुई थी सोए तरह इतना ही हैं, कच्छा नहीं लाने थे आज ये सब, पूरी स्टेशनरी आ जाए तो भाई तुम्हें कहाँ कहाँ चाह रहे, नोट्स तक आ जाए और बोलो जो चाहने वो इतना ही मिले, तब हमसे मांगते तो हम 11वीं के नोट्स यहीं आ जाते। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है देखो यहाँ ध्यान से देखो,
जैसे हम आपके सामने इस पे